जल्दी चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। लेटाओ इसे, छोड़ना नहीं इसे। चलो लेट जाओ, बांधो इसे। लाना तो तुम पे। ये दर्द कुछ देर में ही खत्म हो जाएगा। इधर देखो, तुम क्या जानना चाहते हो इससे? चोलाक का पता। क्या? चोलाक इनकी कैद में है। नामुमकिन, नामुमकिन। उसने मुझे यहां भेजा है। मुमकिन नहीं, वो कैद में है। तुम्हें किसने बताया ये? यूसुफ। तुम्हें धोखा दिया गया है। क्या तुम्हारा पीछा किया गया? अब तुम लोग नहीं बचने वाले। वो लोग जल्दी यहां पर आ जाएंगे। जनाब मैं आपको देख रहा हूं। ठीक है, मैं भी तुम्हें देख रहा हूं। चलो जल्दी करो, घर में किसी को भी मत घुसने देना। मार दो सबको। दोस्तों, सर वो इस घर में। इसका मतलब चौलाक की मुंह बोली जन्नत ये घर है। यही उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। हाफिज ठीक है सर? हाँ ठीक है। क्या हम जानते हैं अंदर क्या हो रहा है? सर जानते तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में जान जाएंगे। कैसे जानेंगे? प्रोफेसर की अनक से देख रहे हैं, उसमें कैमरा है। वाह, हमारे पास बहुत सी मजे की चीजें हैं। ये कहाँ की है? सर जहां तक मेरा ख्याल है सर्जरी वाले कमरे में हैं सब लोग, और ये आदमी हमारे सिपाही पर तशद्दुद करने वाला है। अब हम यहाँ आ गए हैं तो ऐसा नहीं होगा सर। चलो हमारे पास वक्त कम है। जल्दी करो, जल्दी करो। भाई भाई आंखें खोलें, हौसला करें। उठिए, थोड़ा हौसला कीजिए। हम दो ग्रुपों में तकसीम होंगे, एक ग्रुप घर के सामने जाएगा और दूसरा ग्रुप घर के पीछे से। हम गोताखोर के साथ जाएंगे और यूसुफ अपने साथी के साथ बाकियों की जान बचाएगा। हम तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी हो कमांडर। दोस्तों तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। क्या ये हमारे साथी हैं? क्या तुम्हें सुनाई दिया? ये किशानली की बंदूक है। कोई भी किशानली की तरह बंदूक नहीं चला सकता।
फतह हमारी हुई है। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम लोग ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक जनाब। कमांडर, वो उसे ले गए हैं। जानता हूँ, यूसुफ और उसका साथी उसे बचाने गए हैं। चलो हमें यहाँ से फौरन चलना है। वो लोग करीब आ रहे हैं। जब वो लोग आएंगे तो मैं तुम्हें सुराग करूंगा। बकवास बंद करो। और ये बंदूक तुम्हारे अंदर घुसा दूंगा। बंदूक फेंक दो वरना इसको मार दूंगा मैं। आप लोग आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। शाबाश। क्या वो कीमियाई हथियार तुमने बनाए हैं? जवाब दो मुझे। बह रहा है, हमें जख्म खोलना होगा, दोबारा ठीक से बंद करना होगा इसे। कैप्टन, मैं आपकी सर्जरी के लिए आपको बेहोश करूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या दो गोलियां लगी थी? ये तो मुझे नहीं मालूम। एक गोली लगी थी। कैप्टन, क्या आपको सही से याद है? हाँ, मुझे एक गोली लगी थी। जब मैं इशारा करूं अपनी सांस रोक लेना और आंखें बंद। मुझे जवाब चाहिए। जनाब, ये क्या है? चोलाक मुझसे ये तैयार करवाना चाहता था। क्या है ये? कीमियाई हथियार। वो इसे लोगों पर इस्तेमाल करेगा। कहाँ? नहीं मालूम। बताओ कहाँ? मुझे नहीं मालूम। चलो चलो, उठो उठो, उठ जाओ। शाबाश। ये देखें ये कहाँ छुपा हुआ है। चलो बैठो इधर। मुझे नहीं मारना। पुरसुकून हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कैप्टन, हाफिज कैसा है? उसका खून बहुत बहा है, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूं। कैप्टन यूसुफ का फोन है, आप बात करें। हाँ बोलो। हाफिज की हालत अब कैसी है? ठीक है। इसके सीने वाला जख्म तो ठीक है, लेकिन पेट से मुसलसल खून बह रहा है। उसके पेट का जख्म बुरा है। पेट का जख्म? उसे तो गोली लगी थी। कहां था गोली का जख्म? जख्म इस तरफ था। उसे सीने पे गोली लगी थी। सिर्फ एक ही जख्म था बाहर। कोई गलती हुई है।
पेट का जख्म बंद किया गया है। क्या हो रहा है ये? समझ नहीं आ रही मुझे। एक मिनट रुकना जरा। क्या किया तुमने उसके साथ? बहुत देर हो चुकी है। बताओ डॉक्टर, क्या किया है उसके साथ? क्या कोई पेट में चीज रखी है उसके? एक तरह का बम रखा है। क्या? उस पर टाइम लगा है, एक मिनट में फट जाएगा। बाहर मेरी बात सुनो, उन्होंने उसके पेट में कुछ रखा है। चोलाक भागने की कोशिश करेगा, जल्दी उसे निकालो फौरन। क्या चीज है? किसी तरह का बम रखा है, जल्दी करो निकालो उसे। बम है? वक्त बहुत कम है, एक मिनट में फट जाएगा, जल्दी करो बाहर, जल्दी। उन्होंने इसके जिस्म में कुछ रखा है। क्या मतलब है? एक बम है इसके अंदर, हमें बाहर निकालना है। क्या आप ये कर सकती हैं? हाँ मैं कर सकती हूँ, करूंगी, मैं करूंगी, करूंगी। जल्दी जल्दी जल्दी, आशिक, बाहर! हेलो, हेलो, बाहर! क्या हुआ यूसुफ? कमांडर हाफिज, उन्होंने हाफिज के साथ कुछ किया है, वो चौलाक को ले जाएंगे, हमें वहां जाना होगा। केशानली तुम हमारे साथ आओ। नहीं, वो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। जल्दी चलाओ यूसुफ, कहीं वो भाग ना जाए। उन्हें नहीं जाने देंगे कमांडर। कैप्टन यहां से सीधे हाथ पे मोड़े, जल्दी पहुंचेंगे।
अभी कितना रास्ता बाकी है? हम उनसे 1 किलोमीटर दूर हैं कमांडर। जल्दी सबको बाहर निकालो। ऑफिस, Oh, my God.
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो यहां से भाग गया। यकीन नहीं आ रहा। वो कैसे भाग गए? ये जानलेवा हथियार नहीं था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसने भागने के लिए ये मंसूबा तैयार किया। हम कैसे नहीं समझ पाए कैप्टन? कैप्टन, जितनी जल्दी हो सके हमें ऑफिस को यहां से लेके जाना होगा। ऑफिस, क्या तुम ठीक हो? जफर? जी कमांडर। यहां सब कुछ ठीक है, ऑफिस हमारे पास है। वहां कैसी सूरत हाल है? हमने डॉक्टर और प्रोफेसर को पकड़ लिया है। अगर तुम तैयार हो तो मैं हेलीकॉप्टर भिजवा देता हूं। तैयार है कमांडर। चलो चले। एलम, सब ठीक है, चलो। क्या तुमने सब कुछ ले लिया? जी जनाब। कोई और ऐसी चीज है जो यहां रखी हुई है? नहीं, बस सब कुछ यही है। एक मर्तबा फिर से सोच लो। हाँ, वो अपने रास्ते में है। कहां पर, कैसे? नहीं मालूम। हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब ये चलाक के लिए कौन तैयार करेगा? वो इस काम के लिए किसी को तलाश कर लेगा। इसे गाड़ी में डालो। चलो, ये मरेगा मेरे हाथों। बैठो अंदर। हम वहाँ कब पहुँचेंगे? सबर करो, जल्दी पहुँच जाएंगे। कैसे सबर करो? क्या तुम हमारी हालत नहीं देख रहे? हम लोग यहाँ मर जाएंगे। मैंने कहा ना कि सबर करो, अगर तुम बोलती रहोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वाकई? सब कुछ मंसूबे के मुताबिक ही होगा, कोई भी तब्दीली नहीं होगी। लेकिन कैसे? अगर उन्होंने जगह तलाश कर ली तो उन्हें दस्ती में मिल गए होंगे। वो तो सिर्फ तजर्बे के लिए थे, असल सौदा तो अभी यहां आ रहा है। सब टीमों से रब्ता करो और उन्हें बता दो, कहो कि मेरे हुक्म का इंतजार करें। ये एक बहुत बड़ा काम होगा, हम या तो करेंगे या फिर मरेंगे। जाओ। तुम लोग कहां लेकर जा रहे हो? मैं जेल में रहना नहीं चाहता। जेल में?
तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाएंगे जिसके सामने जेल भी कुछ नहीं। क्या? देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे मालूम है कि वो उन लोगों को कहां लेकर जा रहे हैं। बकवास बंद करो। तुम चुप हो जाओ और तुम मुझे सब कुछ बताओ। वो महाजिरों से फायदा उठा रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो उन्हें यूरोप ले जाएंगे। उन्होंने उन्हें बायोलॉजिकल ट्यूब से भर दिया है। चुप क्यों हो गए? बताओ। और वो उनसे बायोलॉजिकल ट्यूब्स निकालकर उन्हें मार देंगे। क्या कह रहे हो तुम? ये काराबीर में होगा क्या? वो लोग शाम आ रहे हैं। उस ट्रक में 25 अफराद हैं और वो आज पहुंचेंगे। क्या हुआ जनाब? ये कुछ कह रहा है। तुम जबान बंद रखना और तुम जो कुछ मुझे बताया वही कप्तान को बताओ। हम क्यों रुके हैं? क्या हम यूरोप में हैं? क्या हमें कश्ती पर ले जाओगे? कश्ती तैयार है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, उसके बाद आगे जाएंगे। चलो जल्दी करो। मेरा शौहर बीमार है, इसको मदद की जरूरत है। जाओ उसकी मदद करो। एक डॉक्टर है हमारे पास, वो तुम्हारे शौहर को देख लेगा। तुम पे और तुम्हारे डॉक्टर पर अल्लाह की लानत हो। क्या तुम तैयार हो डॉक्टर? हाँ तैयार हैं। तो फिर जल्दी करो, इन्हें बाहर निकाल दो, हमें कुछ मुश्किलात का सामना है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, लेकर आओ उसे जल्दी। इसे इधर लेटा दो। छोड़ दो मुझे। इसके कपड़े उतारो। छोड़ दो मुझे। क्या उन्होंने जगह का बताया है? जी यहाँ से करीब है, हम पहुँचने वाले हैं। ठीक है, इंतजार करो, मैं पहले कमांडर को बता दूँ। ठीक है। क्या हुआ है कमांडर? उन्होंने महाजरीन के साथ बायोलॉजिकल वेपन रखा है और वो उन्हें चौलाक के पास लेकर जा रहे हैं। वहाँ दूसरी टीम भेजते हैं, वो लोग काफी थक चुके हैं, कई घंटों से वो लोग मुसलसल जाग रहे हैं। कमांडर कह रहे हैं कि तुम लोग थक चुके हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कमांडर हम नहीं थके, देख लेंगे। वो बेगुनाहों को मार देंगे, हमें फौरन स्टेप लेना होगा। हम बाद में भी सो सकते हैं। ठीक है, तो फिर तुम अपने साथ फाते और एक सिपाही को लेकर आ जाओ। बाकी सिपाही डॉक्टर और प्रोफेसर को हेलीकॉप्टर वाली जगह पर ले जाएं। जैसा आप कहें कमांडर। और जी कौरतली, हम जा रहे हैं, हम वहां से कितना दूर हैं? बताई हुई जगह यही है, अगर हम जल्दी चलें 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है जल्दी करो। और जी क्या तुम आ सकते हो? ये कैसा सवाल है कमांडर, लेकिन हम नहीं जानते कि हम किस चीज का सामना करेंगे। क्या हमारा असलाह काफी होगा? कमांडर ये भी ले लें। इन्हें कोई तकलीफ ना होने देना। ठीक है कमांडर। चलो बाद में मिलते हैं। हम जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर तुम्हें कैंप ले जाएगा। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? जाना होगा एक नए मिशन के लिए। अगर उनका वजूद बरकरार रहा तो हम हमेशा के लिए मुश्किल में रहेंगे। ठीक है, ख्याल रखना।
फातिमा आपा, कुछ तो खा लें आप। नहीं शुक्रिया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हमेशा मुश्किल में क्यों रहते हो चोलाक? तुम मुझसे सवाल करोगी? नहीं, सिर्फ एतमाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम हमेशा किसी परेशानी का बाइस बनते हो। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो हम ये किसी और को दे देते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। साथियों, अगर तुमने शराकत खत्म करने की कोशिश की तो तुम इसकी कीमत अदा करोगे। और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और मैंने तुम्हें बताया था। क्या भी एक सच्ची मसला है, इस बारे में और बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम हमारे काम को खतरे में डालते हो तो ये जाती बात नहीं होगी। किसी को भी कोई खतरा नहीं है, सब मंसूबे के मुताबिक है। हथियारों की पहली खेप पहुँचने वाली है। ठीक है, अगर कोई मसला नहीं होगा तो हम इसे जल्दी मंगवा लेंगे। कितना जल्दी? मंसूबे की तारीख से एक महीना पहले। ये बहुत जल्दी होगा। तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है कि तुम अपना एतबार साबित कर सको। ठीक है, मैं करूँगा। उन्होंने हमारा बेहतरीन प्रोफेसर पकड़ लिया है, अब कौन बनाएगा? कोई मसला नहीं, हम कोई दूसरा प्रोफेसर तलाश कर लेंगे। आयदन काराकुर्त के बारे में पता करूं। वो मशहूर बायोलॉजिस्ट है, वो ही तुम्हारा काम कर सकती है। ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। ठीक है, तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, करते रहो इंतजार। क्या हो गया? अली हैदर, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ अली हैदर, मैं वाकई बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी अली हैदर, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। फातिमा, मुझे अफसोस है, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो अली हैदर। वो बेहतर हो जाएंगे, फिक्र नहीं करें आप। डरो मत, ये एक मजबूत सिपाही है।
इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं यही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी यहीं, आराम से। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। ठीक है। वो वाकई इसके लिए बहुत परेशान थी। वो ठीक नहीं है, तुम्हें इन हालात में फातिमा के साथ होना चाहिए। चलो आ जाओ, सिपाही तुम्हें वहां ले जाएंगे। तुमने मुझे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। एक सिपाही या तो शहीद होता है या मुकम्मल सेहत याब। वो जख्मी है, उनकी हालत बुरी है। कुछ नहीं होगा उसे। नाजली, चलो हम जा रहे हैं। क्या हमें भी वहां जाना चाहिए? हाफिज तन्हा नहीं है, फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएगा। तुम लोग जाकर कुछ आराम कर लो। जी ठीक है कमांडर। कमांडर, साफी के साथ क्या करें? उफिया एजेंसी के लोग इससे पूछगछ करेंगे। मुझे हैरत है कि हमारे फौजी क्या कह रहे हैं। शायद यह वही ट्रक है जिसके बारे में वो बता रहा था। वहां ज्यादा लोग नहीं है, मेरे ख्याल में वहां 7-8 लोग हैं। मुझे ऐसे ही पसंद है, वरना ये सब बोरिंग हो जाएगा। खुदा के लिए जाने दो मुझे। चलो जाने दो, छोड़ दो हमें। खामोशी से चलते रहो। क्या बिगाड़ा है? चलो, क्यों हम पर इंतजार कर रहे हो? जाने दो, जाने दो हमें। चलते रहो, जाने दो। चलो उधर, जाने दो, बैठ जा। जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाने दो मुझे। कमीने कहीं के, हमें वहां जाना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। कमांडर, क्या हमें बैकअप का इंतजार नहीं करना चाहिए? तुम लोग हो ना मेरा बैकअप। ठीक है, 7-8 लोगों से लड़ने के लिए मदद ली तो वो हम पर हंसेंगे। कोर्तली, मेरे साथ आओ। और जी, तुम यहीं रहो। जवाब हुआ तो एक बार पलक झपकना, नहीं तो दो बार, वरना तुम्हें मार दूंगा। और अंदर कितने लोग हैं? 5? 6? क्या 6?
क्या वो सब मुसल्ला है? क्या वहां महाजिर भी है? कुर्तिली, इसे बांध दो।